स्वागत so, है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामिर क्लासेस पे यह हमारा सेवन्थ वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ यू जी सी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस आज हम 2014 जून के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं हम हमारे सारे वीडियोस के पी को वहां पर शेयर करते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं आपको दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यू कैन सर्च फॉरेंसिक साइंस वीडियोस इन बोथ द प्लेटफॉर्म चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सवाल के साथ डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट सबसे पहले कहाँ हुआ था ऑप्शन नंबर बी दैट इज कोलकाता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यहीं पे सबसे पहला डी टाइपिंग फैसिलिटी स्टार्ट हुआ था इसके अलावा कैलकाता में क्या क्या स्टार्ट हुआ था रिगार्डिंग फॉरेंसिक साइंस हम ये भी डिस्कस करेंगे सबसे पहला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1957। दूसरा सबसे पहला स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब कलका में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1952। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी कैलकाटा में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1897। और इसके अलावा फर्स्ट जी गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ये भी कैलकाटा में इस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1904 हंड्रेड फोर बट लेटर इज शिफ्टेड टू शिमला इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सिक्स दो साल बाद वो शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था ठीक है और सबसे लास्ट पहला सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल भी कैलकाटा में ही इस्टैब्लिश हुआ था ठीक है ये कुछ फैक्ट्स है ये सब आपको याद रखना है रिगार्डिंग एग्जाम्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू टेली फॉरेंसिक्स टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन टेलीफॉरेंसिक क्या होता है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेली फॉरेंसिक एक ऐसा टूल है जिससे जो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है वो वर्चुअल विजिट हो सकते हैं क्राइम सीन पे। रियल टाइम वर्चुअल विजिट है ये ठीक है जैसे मान लीजिए कहीं पे क्राइम कमिट हुआ ठीक है वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट तो वो इसका इस टूल का यूज़ करके उस क्राइम सीन पे पहुँच सकते हैं वो एक तरह का वर्चुअल विजिट होगा ठीक है तो इसका नाम टेलीफॉरेंसिक दिया इसका फ़ायदा ये होता है कि लेस नंबर ऑफ़ पीपल क्राइम सीन पर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट उस क्राइम को देख सकते हैं उसको एनालाइज़ कर सकते हैं और कम पीपल विजिट होने के वजह से क्राइम सीन लेस डिस्टर्ब होता है ठीक है तो इसका कुछ अपना बेनिफिट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ क्राइम सीन मैनेजमेंट टेली फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का यूज़ क्राइम सीन मैनेजमेंट में यूज़ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है और मैंने इस पर आपको सारा कुछ बता रखा है कि मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं दो तरह के कंपोनेंट होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला मैकेनिकल और दूसरा ऑप्टिकल ऑप्टिकल में आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस मिरर कंडेंसर और इल्यूमिनेटर आता है मैकेनिकल सिस्टम में बेस फुट पाइलर आर्म इंक्लाइनेशन जॉइंट स्टेज क्लिप्स डाइफ्राग बॉडी ट्यूब नोज पीस क्वार्स एडजस्टमेंट नोब और फाइन एडजस्टमेंट नोब इतना सारा मैकेनिकल में आता है तो आपको याद रखना ऑप्टिकल और मैकेनिकल में क्या आता है ये सवाल रिपीटेड है ये तीसरा बार पूछा गया ठीक है तो थ्री का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी में क्या है ए और सी मैकेनिकल सिस्टम पूछ रहा है तो बेस और बॉडी ट्यूब मैकेनिकल सिस्टम है और जबकि कंडेंसर और इल्यूमिनेटर क्या है ऑप्टिकल uh, सिस्टम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है क्वेश्चन नंबर फोर दोज इसल फैक्ट्स विच शो दैट अ क्राइम हैज डेफिनेटली टेकन प्लेस आर कॉल्ड ऑप्शन ए एल्वलाइ सेक्स सेक्स आर टाइनी सेक्स इन अवर लंग्स नेक्स्ट है कॉर्पस डिक्टम कॉर्पस डिक्टम ये गलत टाइप है यूजीसी नेट की तरफ से कैसपर्स डिक्टम होता है कॉर्पस डिक्टम नाम का कोई चीज़ नहीं होता तो कैसपस डिक्टम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको हम समझा रखे हैं अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कैसपस डिक्टम होता क्या है हम यहाँ फिर से बात कर लेते हैं कैसपर्स डिक्टम स्टेट दैट वन वीक ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी इन एयर इज इक्वीवेंट टू टू वीक्स इन वाटर विच टर्न इज इक्वीवेलेंट टू एट वीक्स इन द ग्राउंड कैसपस डिक्टम बोलता है कि अगर कोई बॉडी है उसको हम एक वीक तक एयर के प्रेजेंस में रखें तो जितना डिकम्पोजिशन हुआ है उस बॉडी का उतना ही डिकम्पोजिशन अगर हम उस बॉडी को दो वीक तक वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं और उतना ही डिकम्पोजिशन होगा अगर हम उस बॉडी को आठ वीक तक ग्राउंड के प्रेजेंस में रखते हैं तो वन इस टू टू इस टू एट आपको रेशियो याद रखना है वन होता है वन वीक होता है एयर के लिए उतना ही डिकम्पोजिशन होता है दो वीक में अगर वाटर में हम बॉडी को रखें और उतना ही डिकम्पोजिशन होता है अगर आठ वीक तक हम उस बॉडी को ग्राउंड में रखें तो ये होता है कैसपस डिक्टम तो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा सही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस डिलेक्टिव कॉर्प डिलिकटी विच मीन्स बॉडी ऑफ क्राइम कॉरप डिलिकटी का प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो देअर मस्ट बी समूफ दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड बिफोर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ़ हैविंग कमिटेड दैट अ क्राइम तो जैसे कि मान लीजिए आप मर्डर का केस है तो वहाँ पर आपको बॉडी मिलेगा या फिर वेपन मिलेगा या फिर ब्लड मिलेगा अगर चोरी हुआ तो क्राइम सीन डिस्टर्ब होगा वहाँ पर आपको कुछ पैसे चोरी होंगे या फिर कुछ भी ज्वेलरी चोरी होगा टीवी चोरी होगा कुछ तो चोरी होगा तो यही बोलता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो देयर मस्ट बी सम प्रूफ तो कॉर्पस डिलेिक्टी यही बोलता है तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोज इसेंशियल फैक्ट विच शो दैट अ क्राइम हैज़ डेफिनेटली टेकन प्लेस आर कॉल्ड ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कॉर्पस डिलेिक्टी पोर्ट्रेट पार्ले ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पार्ले तो एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का मेथड है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एसर्सन रीजन एसर्सन बोलता है द आंसर इन लीडिंग क्वेश्चन आस्क ड्यूरिंग ट्रायल इज गिवन इन यस और नो यस और नो में आपको जवाब देना पड़ता है लीडिंग क्वेश्चन में तो ये सही होगा क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन में जैसे मुझसे पूछेगा कि आपका नाम पीयूष कुमार है तो मुझे बोलना होगा हाँ या नहीं तो हाँ मेरा नाम पीयूष कुमार है ऐसे तो रीजन है इसका बोला था लीडिंग क्वेश्चन आर आस्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ तो एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग फाइव ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोनोक्रोमेटर मोनोक्रोमेटर का पार्ट में आता है एंट्रेंसलेट स्लिट कॉलीमेटर मिरर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कैमरा मिरर और एग्जिट स्लिट ठीक है तो फोटो इमेसिव ट्यू यहाँ पे नहीं आता तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन इंडिया दिस प्लेस डज नॉट हैव अ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल कोलकाता में है मैंने पहले ही क्वेश्चन uh, में आपको बताया था हैदराबाद में भी है और चंडीगढ़ में भी है दिल्ली में नहीं है यहाँ पे, ठीक है हम बात कर लेते कहाँ कहाँ पे Kolkata, है कोलकाता चंडीगढ़ जयपुर गाज़ियाबाद और हैदराबाद में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल है ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा दिल्ली में नहीं है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्युएबल फॉर एनालाइजिंग मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस ऑप्शन बी दैट इज नियर इंफ्रारेड रेड स्पेक्ट्रोमेट्री यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द यूज़ ऑफ फिजिकल डेवलपर टू डेवलप लेटेंट फिंगर मार्क्स इन्वॉल्व विट रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्वेट रेसिड्यू नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमसे सवाल पूछ रहा है कि फिजिकल डेवलपर का जब हम यूज करते हैं मेथड का लेटेंट फिंगर मार्क्स डेवलप करने के लिए तो कौन सा स्वेट का रेसिड्यू होता है जो रिएक्ट करता है तो ट्राई आपको याद रखना ट्राइग्लेसर राइट्स रिएक्ट करता है स्वेट रेसिड्यू का एक पार्ट है कंपोनेंट है जो फिजिकल डेवलपर को मदद करता है लेटेंट फिंगर मार्क्स डेवलप करने में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है इन गैस क्रोमेटोग्राफी रिटेंशन टाइम इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अन नोन ये तो सही है सरसेंट रीजन बोल रहा है रिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय अ कंपाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द कॉलम टू द रिकॉर्डर ऑफ जी रिकॉर्डर यहाँ पे नहीं होगा डिटेक्टर होना चाहिए तो यहाँ पर यह सही हो जाता पर यहाँ पे क्या होगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट अगर यहाँ रिकॉर्डर के जगह डिटेक्टर होता तो ये सही होता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन में डिटेक्टर है और लिस्ट टू में कंपोनेंट्स ऑफ डिटेक्टर है तो ए क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर इसका हो जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज डिटेक्टर ये हो गया वन नेक्स्ट है बी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इसका हो जाएगा पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इसका हो जाएगा रेडियो एक्टिव फॉइल और लास्ट है एच पी एल से उसका हो जाएगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मॉनिटर तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन एस डी एस पेज प्रोटीन्स आर डी नेचुरटेड बाई एस डी एस प्रोटीन्स हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो स्मॉलर प्रोटीन्स माइग्रेट मोर रैपिडली तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा ऑल ऑफ द एपअप नेक्स्ट है द अप्रोसीमेट फ्रीकवेंसी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इन पॉपुलेशन इज फाइव टू टेन परसेंट ऑप्शन ए सही हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज डिटेक्टर फॉर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टी सी डी एफ आई डी और ई सी डी ये तीनों यूज होता है जी एल सी में नहीं होता तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट है कैशल मीयर प्रिजेम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड इज ऑल्सो नॉन एज फेनोप्थिलन टेस्ट सबको पता होगा ये तो आंसर फेनोपथिल टेस्ट को हम लोग कैशल मीयर टेस्ट के नाम से जानते हैं बाकी बेंजिडिन ओटोलिडिन और टी एम बी भी ब्लड का टेस्ट है प्रजेंट्टिव टेस्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द विच वन इज नॉट न्यूरोसिस इन द फॉलोइंग लिस्ट एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल और फोबिया न्यूरोसिस के लिस्ट में आता है स्क्रीजोफ्रेनिया ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा स्क्रीजोफ्रेनिया न्यूरोसिस के लिस्ट में नहीं आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एसरसन और रीजन है एसरसन बोल रहा है ऑल ह्यूमंस हैव ए एंटीजन इन ब्लड ये तो नहीं होता बिकॉज इट प्रोड्यूस एंटी ए एंटी बी बॉडीज तो ये दोनों गलत है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए एंड आर आर इन करेक्ट नेक्स्ट है एटीन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव टैग और नोन एज क्या बोलते हैं उसको प्रोब्स एटीन का ए सही हो जाएगा नेक्स्ट है यूरिया नाइट्रेट क्रिस्टल टेस्ट फॉर यूरिन प्रोड्यूस डैश टाइप्स ऑफ क्रिस्टल किस तरह का क्रिस्टल बनाता है यूरिया नाइट्रेट क्रिस्टल टेस्ट में यूरिन के लिए तो वो हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाता है नाइनटीन का ए सही हो जाएगा नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है लिस्ट वन में है पॉइजन और लिस्ट टू में इसका कॉमन नेम है तो ए है मरिजवाना इसका हो जाएगा थ्री दैट इज स्पॉट मेस्कलीन का हो जाएगा वन दैट इज मून्स कोकेन का हो जाएगा क्रैक और हीरोइन का हो जाएगा स्मैक तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा थ्री वन फो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन द फर्नेस ऑयल और ब्लैक ऑयल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एब एबव सी फोर्टी ट्वेंटी वन का सी सही हो जाएगा नेक्स्ट है अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एसिडल डिहाइड इन द लीवर बाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा नेक्स्ट अल्कोहल एंड टुगेदर टूगेदर कनकाउस किस तरह का वो इफेक्ट काउस करता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एलर्जी टॉलरेंस टू बोथ और हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन सी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यही बोलता है कि अगर आप कोई दो ड्रग एक साथ ले रहे हैं तो उसका जितना मतलब जितना वो इफेक्ट काउस करेगा एक साथ वो एक ड्रग अकेला नहीं कर सकता उसी को हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं तो ये यह यहाँ पे अल्कोहल और धतूरा को एक साथ दिया जा रहा है तो वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन में पेंट पिगमेंट है और लिस्ट टू में कलर ऑफ पेंट है ए में है टू पी बी सी ओ थ्री पी बो ओ एच टू ये तो पता होना चाहिए आपको ये है वाइट लेड तो का क्या हो जाएगा टू फिर है जिंक क्रोमेट इसका कौन सा कलर होता है येल्लो नेक्स्ट है फेरिक फेरोसाइनाइड इसका हो जाएगा ब्लू और लास्ट है एम्प्योर फेरिक ऑक्साइड तो इसका हो जाएगा ब्लू रेड टू पेल रेड ब्राउन तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं एसरसन और रीजन है एसर्शन एंट्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट पेन तो एंड्रिन को हम लोग प्लांट पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं सरसन सही है और उसके बाद क्या बोल रहा है एंड्रिन हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट्स एंड पेस्ट पेस्ट तो रीजन भी सही हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स द बेलिस्टिक को ऑफ एल जी शॉर्ट

वेट एक्टिंग एज कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है असरशन रीजन क्वेश्चन बुलेट एंड टेस्ट बुलेट कैन बी कंपेयर्ड पॉजिटिवली बाय द कंपैरिजन माइक्रोस्कोप ये तो सबको पता है ऑप्शन ए असरशन ए सही है द ब्रीच ब्लॉक मार्क्स ऑन फाइड बुलेट्स आर आइडेंटिकल ये गलत है तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्मोकलेस पाउडर कौन कौन सा है बेलेस्टाइट कॉमन फॉर्म है और कॉर्डाइट कॉमन फॉर्म है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए एंड डी आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है थर्टी वन ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सीन इन विच टाइप ऑफ हेयर किस टाइप का हेयर में दिखता है ऑप्शन बी दैट इज Beard हेयर beard हेयर में दिखता है ब्रेड हेयर ये यू जी सी के नेट के तरफ से गलत टाइप क्वेश्चन था तो ब्रेड हेयर नहीं होता है हेयर होता है हम बात कर लेते हैं किस तरह के क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है किस टाइप का बॉडी पार्ट्स अगर हम हेयर ले रहे हैं तो अगर हेड हेयर है अगर हम सर का बाल ले रहे हैं तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे तो उसमें सर्कुलर और एलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है ठीक है आईब्रो और आई लैशेस के हेयर में सर्कुलर बट ऑफ एंड टेपरिंग एंड उसका एंड जो है वो टेपर दिखता है सर्कुलर तो रहता है बट उसका जो एंड है वो टेपर होता है आईब्रो और आई लेश हेयर के केस में बियर्ड हेयर कैसा होता है ट्राइंगर होता है और थिक होता है थोड़ा मोटा होता है बॉडी हेयर कैसा होता है ओवल होता है और ट्राइंगुलर डिपेंडिंग ऑन वेदर द बॉडी रीजन हैज़ बिन रेगुलरली सेव्ड और नॉट अगर बॉडी रेगुलरली शेफ है या फिर नहीं तो उस पर भी डिपेंड करता तो है तो जनरली ये ओवल होता है और ट्राइंगुलर होता है और लास्ट है प्यूबिक हेयर प्यूबिक हेयर टेंस टू बी ओवल और ट्राएंगुलर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द ग्रे हेयर में हैव फ्यू और नो मेलेन ग्रैन्यूल्स ग्रे हेयर में थोड़ा या फिर मेलेनियन ग्रेन्यूल्स बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता तो एसर्सन यहाँ पे सही है रीज़न है इन द ग्रेइंग प्रोसेस ऑफ हेयर देर इज़ ग्रेजुअल लॉस ऑफ़ टायरोसिनीस एक्टिविटी टायरोसिनीस एक्टिविटी से पहले भी सवाल आ रखा है तो क्या बोल रहा है ग्रेइंग प्रोसेस हेयर में ग्रेजुअल लॉस होता है हाँ अगर ग्रेइंग प्रोसेस हो रहा है हेयर का तो उसमें टाइरो टाइरोसिनेस एक्टिविटी लॉस होता है तो यहाँ पर दोनों ही सही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट नेक्स्ट है रेन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट पॉलीविनाइल एसीटेट ऑप्शन ए सी डी सही हो जाएगा और सही है रेयन का टाइप है बट पॉलीविनाइल एसिटेट यहाँ पे उसका टाइप नहीं है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा नेक्स्ट डी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल एज अ ब्रेक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा थर्टी फोर का नेक्स्ट है द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर मोस्ट यूजफुल टू मेजर द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ वॉकिंग पैटर्नस तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है प्रोटेक्टेड यूज होता है और मेजरिंग टेप हम यूज करते हैं तो ए एंड सी आर करेक्ट डी हो जाएगा इसका सही फिर है दीज आर यूजफुल मेथड्स ऑफ सॉइल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट डेंसिटी ग्रेडेड ट्यूब मेथड हम यूज करते हैं सॉइल एग्जामिनेशन में थर्मो गैवीमेट्रिक मैथड भी यूज करते हैं स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस भी करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस हम नहीं यूज करते हैं सॉइल का एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स आर कौन कौन सा मेन कंपोनेंट है इसका बी कैल्सियम ऑक्साइड और सिलिकन ऑक्साइड तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा बी एंड डी आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉटल्ड ग्लास बॉटल ग्लास में कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे बी एंड डी सही हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए बी एफ ओ स्केल नंबर टू इज यूज इन केस केसेस ऑफ सबको पता होगा ये वाइट मार्क्स के केस में यूज होता है ए बी एफ ओ स्केल नंबर टू नेक्स्ट है एनिमल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टूथ तो ये क्राउन में प्रेजेंट होता है एनिमल नेक्स्ट हुई इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन स्केलेटन इन फॉरेंसिक मेडिसिन ऑप्शन बी दैट इज क्रॉगमैन डब्ल्यू एम एंड एम वाई यहाँ पे सही आंसर है नेक्स्ट है द डेंटल फार्मूला फॉर प्राइमरी सेट ऑफ ह्यूमन डेंटिशन इज प्राइमरी सेट हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा टू वन जीरो टू बाई टू वन जीरो टू नेक्स्ट है द प्रोपोशनल रिलेशनशिप ऑफ साइज़ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स विथ स्टेचर इज नोन एज इसको हम एलोमेट्री कहते हैं इसमें हम प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जितना रहता है बॉडी पार्ट्स का साइज़ का उसको स्टेचर के साथ मैच करके एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं ठीक है फोर्टी फोर पर चलते हैं मेटोपिक सूचर जनरली क्लोज बाय दो साल में मेटोपिक सूचर क्लोज हो जाता है फोर्टी फोर का बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब यहाँ पे सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्वेट रेसिडियो रियक्ट विन इंडोन टू डेवलप लेट एंड फिंगर मार्क्स कौन सा कंपोनेंट स्वेट रेसिड्यू का रिएक्ट करता है इंडेन in डायोन लेटिन फिंगरप्रिंट्स डेवलप करने के लिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा अमाइनो एसिड्स नेक्स्ट क्वेश्चन साइनो एक्राइट इन जेल फॉर्म इज ऑल्सो नोन कमर्सली एज हार्ड एविडेंस ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंपेरिजन कंटेम्पोरिशियसनेस ऑफ राइटिंग सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ द राइटिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ द राइटिंग तो फोर्टी एट का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दब हम सारा फैक्टर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं गैल्ट डिटेल इन फिंगरप्रिंट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑप्शन बी देट इज सेकेंड लेवल डिटेल फर्स्ट लेवल डिटेल सेकेंड थर्ड लेवल डिटेल फोर्थ लेवल डिटेल मैंने फिंगर का वीडियो में बता रखा अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो ठीक है नेक्स्ट है सर्चन रीजन एग्जैक्ट सुपर इम्पोजिशन ऑफ वंस हैंड राइटिंग इज इंडिकेशन ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी अगर एग्जैक्ट सुपर इम्पोजिशन है तो ऑब्वियस बात है वो ट्रेस्ड फॉर्जरी का केस में आएगा नेक्स्ट है टू हैंड राइटिंग्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल आर सपोज टू डिफर टू एन एक्सटेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशन दो हैंडराइटिंग अगर सेम इंडिविजुअल लिखता है तो उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है उसको हम नेचुरल वेरिएशन कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए तो ऑप्शन ए एंड आर आर करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा सॉरी ए एंड आर आर इनकरेक्ट है ना तो ऑप्शन बी सही होगा ए एंड आर आर करेक्ट ए सही नहीं होगा बी होगा यहाँ पे ठीक है तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग